एक पल का सच दुनिया को खूबसूरत बना सकता है और बनाएंगे। एक पल की शांति दुनिया को बचा सकती है और बचाएगी। एक पल का प्यार दुनिया को परिपूर्ण बना सकता है और बनाएगा। विश्व शांति प्राप्त की जा सकती है जब सत्ता की भूख को प्रेम की शक्ति से बदल देते हैं। आंतरिक शांति के लिए चुकाई गई कोई कीमत बहुत बड़ी नहीं होती है। स्वयं के प्रति सच्चा होना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। शरीर कहता है जीवन प्रयास है, आत्मा कहती है जीवन आशीर्वाद है। जीवन एक बहुत ही खास मकसद के लिए हर इंसान को दिया जाता है। यह रहस्य हर इंसान को खुद के लिए खोजना चाहिए। यदि आप वास्तव में मानवता से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको मानवता से वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे वह अभी है। जब आपका प्रेम शुद्ध आध्यात्मिक है तो कोई मांग नहीं रहती है, कोई अपेक्षा नहीं रहती है। मनुष्य या संबंधित प्राणियों के साथ सहज एकता की मधुरतम अनुभूति ही होती है। प्यार समझने की चीज़ नहीं है, प्यार महसूस करने की चीज़ नहीं है, प्यार देने और लेने की चीज़ नहीं है, प्यार तो बनने की चीज़ है और सदा बने रहे। आशा अनंत काल की धीमी, स्थिर, रोशन करने वाली और परिपूर्ण करने वाली ऊंचाई है। आशा एक साथ सरल और गहन दोनों है। यह आशा है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बांधती है। आशा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु है। चाहे कुछ भी हो जाए उम्मीद मत खोना, क्योंकि एक बार उम्मीद चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक धर्म परम सत्य का प्रतीक है। प्रत्येक धर्म सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक धर्म अपने तरीके से सत्य का संदेश देता है। मानव निर्मित धर्म एक दूसरे में दोष ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर निर्मित धर्म शाश्वत रूप से एकता का गीत गाते हैं। पृथ्वी पर मानव आकांक्षा के माध्यम से ईश्वर की अभिव्यक्ति करते हैं। यदि हम अपने एकत्व हृदय में रहते हैं तो हम सभी धर्मों के सार को महसूस करेंगे, जो कि ईश्वर का प्रेम है। क्षमा, करुणा, सहिष्णुता, भाईचारा और एकता की भावना सच्चे धर्म के लक्षण हैं। ईश्वर परिभाषा से परे है, लेकिन व्यक्ति अपनी दृष्टि या ग्रहणशीलता के अनुसार ईश्वर को अपने तरीके से परिभाषित करेगा। कोई कहेगा कि ईश्वर ही प्रेम है, दूसरे कहेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ग्रहणशीलता के अनुसार देखेगा, और अंत में ईश्वर चाहता है कि मनुष्य परम सत्य को देखे। मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई खाई नहीं है। अपने आकांक्षा और ध्यान के द्वारा मनुष्य ईश्वर के साथ अपनी एकता के प्रति सचेत हो सकता है। सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन हर कोई अपने भीतर ईश्वर को नहीं देख सकता। कोई भगवान को तभी देख सकता है जब कोई उसको पुकारता है। जो भगवान को पुकारते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे भगवान को महसूस कर सकते हैं। कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं है, यह केवल एक अवधारणा नहीं है, यह पृथ्वी पर आपके वास्तविक अस्तित्व की जीवित श्वास है। ध्यान क्या है? ध्यान हमारे भीतर किसी विशाल और अनंत चीज के प्रति हमारी सचेत जागरूकता है। ध्यान हमें शांति, प्रकाश और आनंद प्रदान करता है। अध्यात्म ईश्वर के लिए मनुष्य की सचेत लालसा है। अध्यात्म हमें बताता है कि ईश्वर जो आज अज्ञेय है, कल जानने योग्य हो जाएगा और परसों पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा। अध्यात्म का अर्थ है एक साधक को कल की तुलना में बेहतर बनने का प्रयास। दया का स्वभाव ही फैलना है। यदि आप दूसरों के प्रति दयालु हैं तो आज वे आप पर और कल किसी और के प्रति दयालु होंगे। दयालु बनो, सबके प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि हर इंसान आपके खिलाफ लड़ने को मजबूर है। क्या दुनिया इतनी असहनीय है? नहीं, हमें बस दुनिया के लिए थोड़ा और प्यार चाहिए। हमारी सकारात्मक सोच से दूसरों के सकारात्मक गुणों को सामने लाकर ही यह दुनिया तरक्की कर पाएगी। क्या आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलो। क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो मौन समुद्र के अंदर पूरी तरह से शांत रहें, खुश रहो। आपको वही मिलेगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप वही होंगे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? फिर नकारात्मकता के लिए लड़ना छोड़ दें और आत्म प्रोत्साहन की सुंदर कला सीखें। खुशी का अर्थ है जीवन की सादगी। दुनिया के भाग्य को बदलने के लिए हर इंसान के हर आत्म प्रयास की जरूरत है। मैं केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करता हूँ और मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, यह मेरा लक्ष्य है। विजेता कौन है? वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह जिसने परिणाम के साथ अपनी हंसमुख एकता स्थापित की है। जो असफलता या सफलता के रूप में एक अनुभव है, आगे की यात्रा या पीछे की यात्रा है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु कभी अंत नहीं हो सकती। मौत सड़क है, जीवन यात्री है, आत्मा मार्गदर्शक है। उठो,
जागो, यह रास्ता कठिन है, इसलिए हम बुद्धिमानों से सीखते हैं और हमें बुद्धिमानों के नक्शे कदम पर चलना होगा। अध्यात्म का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, लेकिन ना ही ये एक असाध्य धुंध है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को जानना होगा, उन्हें स्वयं को अनंत, शाश्वत और अमर चेतना के रूप में जानना होगा। यह दिव्य अनुकंपा सहज प्रसन्नता है, इसमें अलगाव की भावना नहीं है। कोई भावना नहीं है कि एक श्रेष्ठ है और दूसरा निम्न है, नहीं, यह एकता की भावना है।